अफसोस है, ठीक कह रहे हो भाई, बहुत अफसोस है। एक दफा सिर्फ रूल ऑफ लॉ को इंप्लीमेंट करके देखे इस मुल्क में। मेरी बात अगर गैर कानूनी है, गैर आईनी है, ट्राई करे मुझे जेल में डालो, ऐसे तो नहीं, ये गलत है। शाकिर भाई, जो गलत है वो गलत है, उसको कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता। रूल ऑफ लॉ तो ये कहता है, मैं अगर गैर कानूनी गैर आईनी बात कर रहा हूं, उठाओ जेल में डालो, ट्रायल करो, जज के सामने पेश करो, मुझे मेरा राइट दो, कानूनी सजा दो अगर मैं गलत हूं तो। और अगर जो आईन और जो कानून मुझे बोलने का हक देता है, अगर वो पसंद नहीं है तो बदल दो, आईन बदलो, कानून बदलो, ज्यादती ना करो, उससे सोच नहीं बदल सकती। ज्यादती से, जुल्म से लोग चुप तो हो सकते हैं, जबाने कुछ अरसा खामोश तो रह सकती हैं, सोच नहीं बदल सकती। नफरत में से नफरत ही निकलती है, मोहब्बत नहीं निकलती। आग फैलती है, आग आग को नहीं बुझाती। आज भी मौका है। मैं कल भी कहता था, आज भी कहता हूं कि मेरे मुल्क का फैसला मेरे मुल्क के लोग करेंगे, आप करेंगे फैसला। 22 या 24 करोड़ लोगों की इज्तमाई दानिश का मुकाबला बंद कमरे में बैठे हुए चंद लोग नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। वो करोड़ों पाकिस्तानियों का हक है, वो फैसला करेंगे अपने मुस्तकबिल का। लोगों की तरफ देखो, लोग क्या कह रहे हैं, लोग अपना हक मांगते हैं, लोगों को उनका हक दिया जाए, इससे पहले कि लोग अपना हक छीन ले। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया आप सबका मुझे सुनने के लिए।